अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुशोआबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो जो आज की वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ास होगी, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक मेरे साथ लाजमी देखना है। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दीजिएगा कि मैं जो बात कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है या उसमें थोड़ा सा कुछ गलत है, क्योंकि इजहार राय करना हर बंदे का हक है। मैं अपना इजहार राय करती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो है तहजीब के दायरे में रह के मैं भी जो है बात करती हूँ, तो आप भी अपने जो कमेंट्स हैं वो तहजीब के दायरे में रह के ही दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ बना रही हूँ बच्चों के लिए। आज मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, उसकी बर्थडे है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि अभी मुझे कुछ अच्छा सा खाना, तो मैंने कहा कि अभी कीमा भी पड़ा हुआ और स्पेगेटीज भी घर में पड़ी हैं, तो मैं जल्दी से आपको जो कीमा स्पेगेटीज बना देती हूँ। तो इसकी जो रेसिपी है उसकी जो बिल्कुल ठीक वाली, तो वो मैं जो है ठीक वाली, मतलब ये भी ठीक ही है, जिसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप मेरी बेटी को विश भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद भी रखिएगा उसको। माशाल्लाह से बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह से वो 7 ईयर्स की हो गई है, तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो मैं बात करूँगी आज, जो मैंने कल एक वीडियो देखी तो मुझे इंतहाई जो है हैरानगी हुई है कि जो जावेद है वो साबरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता किस हद तक जाएगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये हकीकत है या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था साबरा का फेस देख के कि ये वाकई उसके साथ हुआ कि जो है उसका हस्बैंड, उसने क्या किया, जो उसका मोबाइल है जो उसमें जो पूरा डाटा था पूरा डाटा रिस्टोर कर दिया। वो कह रही थी मेरे बच्चों की तस्वीरें थी, मेरी वीडियोस थी। अब चैनल का नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो चैनल भी बीच में ही डिलीट हुआ होगा। जाहिर बात है जब फैक्ट्री रीसेट करें या रिस्टोर फ़ोन को करें तो उसका जो भी जितना भी डाटा होता है वो सब उड़ जाता है। तो मुझे तो ये लग रहा है साबरा तो बेचारी कुछ इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो जो है सब कुछ उसने डिलीट कर दिया। अब उसके चैनल का जो मुझे लगता है वो पासवर्ड भी चेंज कर देगा और वो उसका चैनल जो है अपने हाथ में रखेगा और वो खुद चलाएगा। और साबरा को पता भी नहीं है कि उसने अपने पैरों में कितनी बड़ी खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। वो जो भी चाहे वो उसके चुंगल से जो है निकल नहीं सकती, क्योंकि पहले तो लोगों को चैनल बना बना के दे के बेच के इसने उनसे छीने हैं ना चैनल। तो अब तो जो इसने किया है उसको कैसे अपने एतमाद में ले के, तो उसके साथ ये सब कुछ किया है। तो वो तो वीडियोस को भी बैठी रो रही है ना कि मेरी वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी, मेरे बच्चों की तस्वीरें डिलीट कर दी। अब भी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब अल्लाह ताला ही है जो इसकी हिफाजत करे। अल्लाह मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक बंदा नहीं लग रहा, उसको बहला फुसला के प्यार की बातों में ला के किस हद तक उसको ले आए कि वो अपने बच्चे छोड़ के आ गई है, उसके साथ क्या किया है, तस्वीरें मोबाइल छबाइल सारा कुछ डिलीट कर दिया है, उसका जो चैनल भी डिलीट कर दिया होगा, मतलब जो कि उसके मोबाइल में था एंटर, अपने भी इसने मोबाइल में किया ही होगा, ये तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो जो साबरा का जो चैनल है वो इस टाइम मुझे लगता है जावेद जो है उसके मोबाइल में है, तो उसका तो वो डाटा वो डिलीट कर चुका है। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी हमने स्नैक वीडियो बनानी है, स्नैक ऐप डाउनलोड करनी है। तो स्नैक ऐप डाउनलोड करने के लिए फ़ोन को रिस्टोर करने की क्या ज़रूरत है, वो तो एक छोटी सी ऐप है। अगर आपके मोबाइल में जगह नहीं है तो आप उसमें मेमोरी कार्ड थोड़ा सा बड़ा स्पेस वाला जो है ज़्यादा स्पेस वाला वो ऐड कर लें, तो या कुछ चीज़ें जो आप डिलीट करें तो इतनी स्पेस हो जाती है कि स्नैक ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाती है। और वहाँ पर अकाउंट बनाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए जो है वीडियो डिलीट और डाटा डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी। तो अब भी इस साबरा के पास टाइम है, होश के नाखून ले और जो अपना फ़ैसला चेंज कर ले, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा जब सारा कुछ मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, साबरा के मोबाइल में जो तस्वीरें हैं वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो बच्चे कैसे बर्दाश्त होंगे। लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर सोनिया को चाहिए कि एक दफ़ा बच्चे उनको दे के देखे, लेते भी हैं कि बस बातों की हद तक ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो सोनिया को चाहिए कि एक दफ़ा उनको ऑफ़र करवा के देखें कि बच्चे आप ले लें, फिर आगे देखें कि वो जो है साबरा तो माँ है तो वो तो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन देखते हैं जावेद करता है या नहीं, जो आगे बड़ा बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है कि मैं अलहदा से घर बनवा के दूंगा, क्योंकि उसको पता है वो मांग रहा है, वो दे तो रहे नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो उनको एक दफ़ा इनको देने चाहिए बच्चे, तो पता तो चले कि ये उनके साथ क्या सलूक करते हैं।
तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी जो है स्पैगेटीज़ वो रेडी हैं और देखे इतनी मज़े की लग रही है और ये सच में बहुत मज़े की बनी है। मेरी बेटी बताएगी आपको कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है, मेरा तो खा के दिल ही खुश हो गया। देखे कितनी अच्छी लग रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी जो दूसरी रेसिपी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अल्लाह।